सब्सक्राइब करें दाऊद कंप्यूटर सेंटर चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी आपने मिस नहीं करना है। डैशबोर्ड आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं बताऊंगा, इसमें बहुत ही स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे कि हमने किस किस ऑप्शन का यूज़ किया और किस किस हमने टेबल का या चार्ट्स का कैसे यूज़ किया। ये बेसिक लेवल आपका जो डैशबोर्ड होगा, इसमें मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर आप एक्सेल को बिल्कुल भी चलाना नहीं जानते हैं तो भी आप ये डैशबोर्ड बना लेंगे। मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से बताऊंगा। और इस वीडियो का मैं लाइक का जो टारगेट रखता हूं वो रखता हूं 1000 लाइक। अगर इसका 1000 लाइक पूरा होता है तो मैं इसका नेक्स्ट लेवल एडवांस डैशबोर्ड का वीडियो अपलोड करूँ। चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये डैशबोर्ड कैसे काम करेगा। यहां पे अगर मैं इसको इंटर स्टेट से देखना चाहूं तो उसकी सारी रिपोर्ट दिखाएगा, जैसे फर्म का डेटा, प्रोडक्ट, टोटल, मंथ वाइज और नीचे टैक्स का कैलकुलेशन, जैसे कि IGST, CGST, SGST, SAS, टैक्सेबल वैल्यू और विद सम यानी कि इनवॉइस का टोटल वैल्यू। और अगर मैं लोकल देखना चाहूं तो लोकल की डिटेल दिखाएगा। लोकल की डिटेल में आप देखेंगे इसमें कौन किस किस मंथ में क्या क्या सेल का ग्राफ रहा है वो दिखाएगा। अगर मैं इसी तरह से पार्टी वाइज देखना चाहूँ तो पार्टी वाइज भी दिखाएगा और मंथ वाइज देखना चाहूँ तो मंथ के अकॉर्डिंग दिखाएगा। अगर मैं टैक्स के अकॉर्डिंग देखना चाहूँ तो टैक्स के अकॉर्डिंग क्या क्या सेल रही है वो आपको दिखाएगा। तो इसमें आप बहुत आसानी से बना लेंगे, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। बस आपने वीडियो में लगातार इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, बिल्कुल भी ना ही स्किप करना है, क्योंकि आपका स्किप करने से एक भी स्टेप आप छोड़ गए तब आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें। इसमें जो ये पूरा चार्ट बना है वो हमारा बना है इस डेटा से, यानी कि यहाँ पर हमने एक डाटा लिया है, उस डेटा से हमने ये पूरा चार्ट बनाया। तो दोस्तों आ चुके हैं हम एक्सेल के अपनी नई शीट में। यहाँ पे मैंने एक नई शीट ली है और वो डाटा यहाँ पे ले लिया है, जिसमें डेटा में है हमारा फॉर्म यानी कि कंपनी के नेम और ये सेल कैसे हुआ है, स्टेट हुआ है या लोकल, इनवॉइस नंबर है, डेट है, टैक्स का रेट है, डिस्क्रिप्शन है प्रोडक्ट की, क्वांटिटी है, यूनिट, रेट और उसमें टैक्सेबल वैल्यू और उसका कौन कौन सा टैक्स लगा है, टोटल वैल्यू कितनी हुई और इनवॉइस टोटल कितना हुआ। बहरहाल इनवॉइस टोटल और टोटल दोनों सिमिलर ही हैं, तो इसको हम फिलहाल इसको चाहे डिलीट कर दें, रखना चाहे रख सकते हैं, फिलहाल रहने देते हैं इसको। अब हम सबसे पहला स्टेप क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें कुछ हमें स्टेप्स कुछ ऑप्शन की ज़रूरत पड़ेगी, वो हम कौन कौन से होंगे वो मैं बिल्कुल आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा। पहला ऑप्शन, आपने इस डेटा को सेलेक्ट कर लेना है और आ जाना है आपने इंसर्ट में। जब आप इंसर्ट में आ जाएंगे तो यहाँ पे हमारे टेबल्स के ऑप्शन हैं, जिसमें तीन ऑप्शन हैं, टेबल, पाइवट टेबल, रिकमेंडेड पाइवट टेबल। तो हम यहाँ पे पहला जो ऑप्शन यूज़ करने जा रहे हैं वो आप टेबल का यूज़ करें। तो इसका जो शॉर्टकट की है वो आप देख रहे हैं, कंट्रोल टी से भी आप इसको कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर ही कंट्रोल टी कर दूँ तो उससे भी ये हमें क्रिएट टेबल के नाम से एक ऑप्शन देगा, ऑप्शन की मेन्यू देगा। यहाँ पे वेयर इज द डाटा फॉर योर टेबल, डाटा कहाँ पर है उसकी आपने रेंज देनी। रेंज का मतलब ये हो गया कि ये पूरी रेंज आ गई। और माई टेबल हैज हेडर, ये आपके टेबल के हेडर है, यानी कि ये जो हमारे टेबल के हेडर हैं इसके अकॉर्डिंग ही हम वो पूरा टेबल बनाएंगे और उसी से हम पाइवट टेबल वगैरह बनाएंगे। फिलहाल हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं ओके। अब दूसरा नंबर आता है, एक्सेल में हर एक बॉक्स अलग अलग होता है, इसी तरह से जैसे ये शीट है इसकी और भी शीटें होती हैं, जैसे एक शीट है फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, आगे भी शीट होती है। तो इसका जो हमारा ये जो हमने टेबल बनाया है इसमें हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखने वाली हैं, वो ये हैं कि हमारा टेबल का नाम क्या है। फिलहाल इसका टेबल का नाम आया है टेबल वन,
तो मैं इसको बिल्कुल भी रिनेम नहीं करता हूँ, मैं यही नाम रहने देता हूँ टेबल वन। शीट का नाम है शीट वन, आप चाहें तो शीट का नाम बदल सकते हैं, जैसे मैं इसमें राइट क्लिक करके इसको रिनेम कर लूँगा और इसका नाम रख दूंगा मैं डेटा। अब आपने दूसरा काम क्या करना है, इंसर्ट में आना है, टेबल के अंदर आपने कहीं पर भी सेलेक्ट कर देना, उसका मतलब यह है कि आप टेबल के अंदर हैं। अगर टेबल के बाहर हैं तब आपने इंसर्ट में नहीं आना, टेबल में आपने यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक कर देना है। इंसर्ट में आप आएंगे और इंसर्ट में आने के बाद यहाँ पर है पाइवट टेबल, इसमें आपने आ जाना है। अब यहाँ पे आपने चूज द डाटा दैट यू वांट टू एनालाइज, वो डाटा आप सेलेक्ट करें जिसको आप एनालाइज करना चाहते हैं। अब नीचे इसने ऑप्शन दिया सेलेक्ट टेबल और रेंज, अगर आपके पास कोई टेबल है या फिर आप कोई रेंज लें, तो हमने फिलहाल यहाँ पे हमारी इसका नाम है टेबल वन, वो ऑटोमेटिक उसने पकड़ लिया। अब इसके बाद और भी ऑप्शन है इसमें, जैसे इसके नीचे जो दूसरी हेडिंग है वो है चूज वेयर यू वांट द पाइवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड, यानी के पाइवट टेबल रिपोर्ट आपको कहाँ पर चाहिए, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं न्यू वर्कशीट। वर्कशीट का मतलब होता है ये जो हमारी शीट है, एग्जिस्टिंग नहीं करेंगे बिल्कुल भी, इसको चाहे तो आप सीधे पाइवट टेबल में क्लिक करें और इसको सीधे ऐसे ही ओके कर दें। ओके करने के बाद आपको इसमें जो पाइवट टेबल मिलेगा ये पाइवट टेबल वन के नाम से आएगा। अब हमारा इस शीट का नाम हो गया शीट टू, ये हो गया हमारा पाइवट टेबल। अब ये क्या है पाइवट टेबल, इसके आप बिल्कुल राइट साइड आएंगे तो यहाँ पे हमारे कुछ जितने भी हमारे हेडर थे वो यहाँ पे आ गए। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि फॉर्म वाइज, अब इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँ कि हम एक और शीट यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, इस शीट का नाम रख लेते हैं हम डैशबोर्ड। अब डैशबोर्ड की शीट में आप देखेंगे हमें पांच चीज़ों पे ध्यान देना है, हमें एक तो फर्म वाइज डाटा को एनालाइज करना है, मंथ वाइज करना है और टैक्स वाइज करना है, और नंबर आता है हमारा प्रोडक्ट वाइज, और पांचवा नंबर है हमारा स्टेट वाइज, लोकल है या इंटरस्टेड। तो इन पांच चीज़ों पे आपने ध्यान देना है। सबसे पहले हमने जो शीट टू में चलते हैं जहाँ पे हमने पाइवट टेबल बनाया, अब इसका नाम हम यहाँ से रख लेते हैं, राइट क्लिक करके आपने रिनेम करना है। सबसे पहले बनाते हैं हम फर्म वाइज, फर्म वाइज रखा आपने, ये हमारा फर्म वाइज हो गया, तो हम इसको कर लेंगे रेड। अब फर्म वाइज में आने के बाद इस टेबल में जब आप क्लिक करेंगे पाइवट टेबल में तो आप सीधे राइट साइड आ जाएंगे। अब हमने फर्म वाइज लिया है तो उसको फर्म यहाँ से सेलेक्ट करके यानी उसको ड्रैग करके आप लेके आ जाएंगे रोज। अब ये रोज में क्यों लाए और इसका क्या काम है, देखिए इसमें चार बॉक्स होते हैं, तो क्योंकि ये बेसिक लेवल है तो इसमें हमने ज़्यादा इस पर वो नहीं करना है, हमने इसको शॉर्ट में ही डैशबोर्ड बनाना है। तो रोज में कॉलम में या फिल्टर में आप कोई भी हेडर ले सकते हैं, लेकिन जिस वैल्यू का कैलकुलेशन होना है वो हेडर वैल्यूज में आएंगे, जैसे कि हम चाह रहे हैं यहाँ पे जो टोटल है वो आपका वैल्यूज में आए। तो जेके एंटरप्राइज और एसआर हार्डवेयर का क्या क्या टोटल सेल हुआ है उसे उसका टोटल आ गया, सिर्फ इतना ही करना है। फिर चलते हैं हम अपनी डेटा की शीट में, अब से फिर इसमें हम पाइवट टेबल एक और वो करते हैं और सीधे इसको न्यू शीट में ऐसी ओके कर देते हैं। यहाँ पे अभी हमने फॉर्म वाइज ले लिया, अब मंथ वाइज लेना है, तो मंथ वाइज के लिए आपने इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि आपने जो फॉर्म वाइज लिया है इस पाइवट टेबल का भी एक नाम है, उस चीज़ पर मैं बता दूँ आपको, एनालाइज में आके इसका पाइवट टेबल वन है, तो इसका हम चाहें तो pt_firm ये हमने इसका नाम दे दिया, तो इसका नाम हो गया है pt_firm, इसको ऐसे छोड़ देते हैं। अब जो नई टेबल आई है इसको हमने किस तरह से लेना है, इसको लेना है हमने मंथ वाइज, तो हम पहले तो टेबल का नाम बदल देते हैं pt_mth, शॉर्ट कर दिया हमने। अब इसमें हमें
मंथ लेना है तो मंथ आएगा डेट से, तो डेट को हम ड्रैग करेंगे, रोज में रखेंगे, और साथ ही साथ जो हमारा टोटल है उसको वैल्यू में। और यहाँ पे हमने इसमें एक काम करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करके डेट के उसमें, और आपने इसको ग्रुप कर लेना है, और यहाँ से कर लेंगे हम मंथ स्टार्टिंग एंडिंग, यहाँ पे ओके कर लिया, तो मंथ के अकॉर्डिंग उस डेटा को उसने ग्रुप कर दिया। तो इस टेबल का नाम हो गया PTMTH। तो पहले तो हमने ये वाला टेबल लिया, फिर हमने ये वाला टेबल लिया। अब इस शीट का नाम भी रख लेते हैं मंथ वाइज। तो हमारी दो शीट हो चुकी हैं। फर्म वाइज वाले टेबल का नाम है PT फर्म, और इसका नाम है PTMTH। अब नंबर आता है, फिर डेटा में आ जाते हैं। डेटा जो है हमारा, इस डेटा की जो शीट है, इसी शीट से ही सारी रिपोर्टिंग होनी है। फिर इंसर्ट में आ जाएंगे, पाइवट टेबल में आ जाएंगे, फिर एक न्यू ले लेंगे। अब जो हमने बनाना है वो बनाना है टैक्स वाइज, जैसे ये हमारा बन चुका है, अब हमने बनाना है टैक्स वाइज। तो शीट 5 आ चुकी है, इसका पहले तो पाइवट टेबल का नाम चेंज करेंगे PT, और आपका यहाँ पे आ जाएगा टैक्स। तो हमने PT टैक्स वाइज बनाना है, साथ ही साथ हम शीट का भी नाम चेंज कर देंगे टैक्स वाइज। अब टैक्स वाइज में हमें करना क्या होगा कि टैक्स रेट जो है हमारा, उसको तो लेना पड़ेगा हमें रोज में। तो यहाँ पे जितने तरह के टैक्स रेट हैं वो सब आपके इस तरह से आ जाएंगे, और जो हमारे अब इसमें हमें वैल्यूज में जो है सारे टैक्स लेने पड़ेंगे, जैसे IGST भी है, SGST भी है, CGST भी है, और सेस है, और उसका टोटल है। तो ये सब चीज़ आ जाएंगे। अब इसका नाम हो गया टैक्स वाइज। फिर से डेटा में चलते हैं, पहले डैशबोर्ड में देखते हैं इसका हमने नाम क्या रखा है, PT टैक्स। तो डैशबोर्ड में हम चलते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं PT टैक्स, इसको भी हमने यहाँ से कलेक्ट कर दिया है। अब आ जाता है प्रोडक्ट वाइज बनानी है हमने, डेटा में आए, फिर यहाँ से हमने इंसर्ट करना है पाइवट टेबल, और डैश इसमें आ जाना है, इसी तरह से आपने ओके कर देना, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं इसमें। और हमने इसको बनाना है प्रोडक्ट वाइज, तो शीट का नाम चेंज कर लें आप पहले प्रोडक्ट वाइज, और टेबल का नाम चेंज कर लें आप PT प्रोडक्ट। डैशबोर्ड में आके हम ये लिख देते हैं PT प्रोडक्ट, और इसको आपने कलर कर दिया। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ जिससे आपको मैं जब दोबारा बताऊँगा तो आपको ध्यान रहेगा, और ना भी लिखो आप तो कोई दिक्कत नहीं है इसके, कहीं ऐसा नहीं कि इसको याद रखना है फिर उससे काम चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब स्टेट वाइज आपने इंसर्ट में आए, फिर से टेबल लिया, ओके किया, और यहाँ पे ले लेंगे हम स्टेट वाइज, और टेबल का नाम भी रख लेते हैं PT स्टेट, और प्रोडक्ट वाइज, हाँ प्रोडक्ट वाइज में और स्टेट वाइज में, अभी हमने प्रोडक्ट वाइज में हमने डाटा नहीं लिया है, तो प्रोडक्ट वाइज में हमने डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स लेना है और उसका टोटल लेना है। आप क्वांटिटी भी लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, फिलहाल हमने उसका टोटल ले लेना है क्योंकि हम बेसिक लेबल बना रहे हैं। स्टेट वाइज में हम आए, यहाँ पे हमने स्टेट जो है रोज में ले लिया, और इसका जो टोटल है वो वैल्यू। तो आपने देखा हमारे पास फर्म वाइज, मंथ वाइज, टैक्स वाइज, प्रोडक्ट वाइज और स्टेट वाइज, चार हमारे पास, पांच बल्कि हमारे पास शीटें बन चुकी हैं। अब इसका दूसरा चरण शुरू होता है, यानी दूसरा आगे का काम क्या है। हमने इसमें टेबल बनाया पहले, जो कि हमारा डेटाबेस है। दूसरा हमने बनाया इसमें एक एक करके पाइवट टेबल, तीसरा काम हो गया। अब नंबर आता है पाइवट चार्ट का। तो हम क्या करेंगे, फॉर्म वाइज में आएंगे पहले, यहां पर आपने क्लिक किया, एनालाइज में आप आए, पाइवट चार्ट, यहां से आपने पाइवट चार्ट ले लिया। अब इसने कुछ हमें चार्ट बता दिए, जैसे कि लाइन चार्ट, पाई चार्ट, अभी हम इसको चाह रहे हैं पाई चार्ट में लेना, तो इसको ऐसे ही ओके कर लेना।
जब आप ओके करेंगे तो इस तरह का चार्ट बन के आ गया। इसमें आप चाह रहे हैं कि ये जो इसके जो फिल्टर करने के हैं, इसको हाइड ऑल फील्ड बटन ऑन चार्ट, इसको हमने हाइड कर लिया, और इसको हम चाहें तो कहीं और भी रख सकते हैं। यहाँ रख लिया, यहाँ रख लिया, कहीं पे भी आप रख सकते हो। इस टोटल को हमने चेंज कर लिया, यहाँ पे हमने कर लिया इसको फर्म वाइज। ये हमने फॉर्म वाइज ले लिया इसको। पहला काम हो गया हमारा, इस तरह से आपने फॉर्म वाइज बना लिया। अब हम ले लेते हैं मंथ वाइज। इसको भी सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे पाइवोट टेबल में, एनालाइज में आएंगे, पाइवोट चार्ट में आएंगे, कोई सा भी आप एक चार्ट ले लेंगे यहाँ से। जैसे मुझे अच्छा लग रहा है ये वाला चार्ट, तो मैं बल्कि ये सिंपल वाला ही ले लेते हैं। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें भी आपने राइट क्लिक करके हाइड ऑल फील्ड वो हाइड कर देना है। वैल्यू को भी चाहें आप हाइड कर दें, और ये टोटल भी हटाना चाहें हटा दीजिए। और इसकी ये ग्रिड लाइन जो है, यहाँ से आप कुछ ही और तरह से लेना चाहते हैं वैसे भी ले सकते हैं, वैसे तो हमारे पास है। इसमें हम इसका चार्ट टाइटल ग्रिड लाइन हटानी है, लेजेंड्स लगाने हैं, टाइम लाइन या डेटा देना है नीचे, तो डेटा भी आप ले सकते हैं। डेटा लेना चाहते हैं एक्सेस हटा देंगे, डेटा हमने लगा दिया। इसका आपने नाम चेंज कर लिया, मंथ वाइज। तो ये मंथ वाइज हो गया, फॉर्म वाइज हो चुका है, मंथ वाइज हो चुका है। इसी तरह से टैक्स वाइज इसको क्लिक करेंगे और फिर पाइवट टेबल में आ जाएंगे। टैक्स वाइज के लिए हम ले लेते हैं, जैसे इसके लिए भी हम यही वाला चार्ट ले लेते हैं और इसके सब हाइड कर देते हैं फील्ड, इन सब फील्डों को भी डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। और आप चाहें तो इसमें डेटा लेवल लेना चाहें, डेटा नीचे डेटा टेबल लेना चाहें डेटा टेबल आप ले सकते हैं, चार्ट का टाइटल लेना चाहें चार्ट का टाइटल ले सकते हैं, टेक्स्ट वाइज ये हमने यहाँ पर ले लिया। तो ये भी एक हमारा चार्ट बन गया। अब प्रोडक्ट वाइज में आएंगे, इसको भी हम प्रोडक्ट वाइज ले लेंगे, चार्ट ले लेंगे इसमें, और इसमें बना लेते हैं हम पाई चार्ट बना लेते हैं इसमें। इसको हमने पाई चार्ट ले लिया, जितने भी हैं इसको हाइड कर लिया, और इसको हमने थोड़ा छोटा कर लिया। यहाँ पे लिख लिया प्रोडक्ट वाइज, अब नंबर आता है स्टेट वाइज। स्टेट वाइज के लिए फिर हमने सेम यही ऑप्शन जो है सब जगह उसमें इस्तेमाल कर लेना है। इसमें हम ये वाला ले लेते हैं, इसमें भी हम इसके फिल्टर हटा लेते हैं, वैल्यूज हटा लेते हैं और इसका टोटल हटा लेते हैं, और इसको हम यहाँ से स्टेट वाइज कर लेते हैं। तो ये सब हमारे बन चुके हैं। अब हमने डैशबोर्ड में काम किया, स्टेट वाइज का हमने नाम रखा था पीटी स्टेट। बहरहाल अब इनकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, चाहे तो आप इनको डिलीट कर लें।
फिलहाल फिर भी मैं इनको एक साइड में रख लेता हूँ। अब नंबर आता है कि जितने भी हमने ये चार्ट बनाए हैं इनको कट करेंगे हम, कंट्रोल एक्स डैशबोर्ड में लाके पेस्ट करें। पहला चार्ट ये फर्म वाइज हो गया, बल्कि इसको डिलीट कर देते हैं। पहला हमने फर्म वाइज ले लिया, दूसरा मंथ वाइज इसको कट करके डैशबोर्ड में लेकर आ गए, वाइज इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये हो गया मंथ वाइज। अब नंबर आता है मंथ वाइज हो गया है, जो जो हो चुके हैं उनको हम हाइड कर देते हैं, हाइड और मंथ वाइज को फिलहाल के लिए हाइड कर देते हैं। टैक्स वाइज को कट करके इसको भी यहाँ ले आते हैं, इसको भी हाइड कर लिया। प्रोडक्ट वाइज इसको कट किया, प्रोडक्ट वाइज इसको कट किया हमने, डैशबोर्ड में आए इसको भी हमने पेस्ट कर लिया। अब नंबर आता है प्रोडक्ट वाइज हो चुका है हमारा, और यह है स्टेट वाइज, तो इसको भी हमने यहां से कट कर लिया, डैशबोर्ड में आके हमने स्टेट वाइज बल्कि इसको अंडू कर लेते हैं, तो कट किया हमने पेस्ट कर लिया। अब ये हमने इस तरह से बना लिया। अब नंबर आता है इनको फिलहाल डिलीट कर देते हैं, कोई जरूरत नहीं इसकी। अब नंबर आता है इसमें क्लिक करेंगे और एनालाइज में ही आ जाएंगे, इंसर्ट स्लाइसर, ये स्लाइसर लेंगे हम। स्लाइसर जो हमने बनाना है एक तो फर्म वाइज, स्टेट वाइज, डेट वाइज, टैक्स रेट, डिस्क्रिप्शन, 1 2 3 4 5 ये बनाने हैं, तो इसको हमने ओके कर लिया। तो अब हम पहले तो इनको एडजस्ट कर लेंगे, जैसे प्रोडक्ट वाइज हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये हो गए हमारे प्रोडक्ट वाइज, और ये ले लिया हमने टैक्स रेट के अकॉर्डिंग, और आपका ये ले लिया हमने मंथ के अकॉर्डिंग, और इधर इसको ले लेते हैं हम साइड ले लेते हैं। तो इसमें हमारे ये बन चुके हैं। अब जो ये हमने लिंक करना है इसी पे आपने राइट क्लिक करना है, रिपोर्ट कनेक्शन, उसमें आ जाएंगे, सभी टेबल में कनेक्ट करके ओके करें, इसमें क्लिक करेंगे,
रिपोर्ट कनेक्शन में आ जाएंगे और सभी में इसमें क्लिक करके ओके करना है। इसी तरह से यानी कि इन सब का लिंक हम टेबल से कर रहे हैं जो हमने पाइवट टेबल बनाई है। अब जेके एंटरप्राइजेस आप देखेंगे, जेके एंटरप्राइजेस की डिटेल आ गई। आप देखेंगे लोकल, तो लोकल में लोकल की डिटेल आ गई। आप देखेंगे इंटरस्टेट, तो इंटरस्टेट की डिटेल आ गई। तो ये हमारा एक डैशबोर्ड बन चुका है। अब हमने इसमें जैसे के कुछ बेसिक और फॉर्मूले वगैरह यूज करके उसका डेटा वगैरह लेके आना है तो वो भी ला सकते हैं। फिलहाल जैसे यहाँ डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स है तो इसके हमने जैसे यहाँ पे है स्लाइसर सेटिंग में हम आ जाएंगे। अब यहाँ है नेम टू यूज इन फॉर्मूलाज, तो वो हमने ले लिया डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, और कैप्शन हम चाह रहे हैं कि प्रोडक्ट यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा हुआ है। इसी तरह से इसको हम यहाँ से इसकी सेटिंग कर लें और टैक्स रेट की जगह GST रेट कर लें तो वो आ जाएगा, और डेट की जगह हम इसी तरह से इसको मंथ कर लें, यहां पे मंथ आ जाए। स्टेट फॉर्म नेम तो उसी तरह से, तो ये हमारा बन चुका है। तो हमने इसमें पाइवट टेबल और स्लाइसर का काम ये होता है कि इन टेबल में अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो इसका फिल्टर लगा देगा। अब हमने सब जगह लिंक कर दिया तो हर एक टेबल में लग रहा है डाटा, जिस जगह से आ रहा है टेबल अलग अलग है पाइवट टेबल, और उन सबको एक साथ जो फिल्टर लगा रहा है वो है स्लाइसर। अब अगर हम एक में इसमें छोटी सी आपको चीज बताऊं, जैसे हम देखना चाहते हैं कि इंटर स्टेट हमारे पास टैक्स या टोटल सेल इंटर स्टेट कितनी हुई, लोकल कितनी, तो वैल्यूज में भी आ जाए, तो वैल्यूज में आने के लिए हम इंसर्ट में आएंगे और एक हम यहाँ से शेप बना लेंगे जिसमें हम लिख सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स, वो हमने यहाँ से इस तरह से ड्रॉ। तो अब आप इसके अंदर कोई फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते, लेकिन मैं आपको इसके अंदर भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, उसका तरीका बताऊँगा कैसे लगाएंगे। अब हम सबसे पहली बात तो अनहाइड कर लेते हैं एक शीट आपका स्टेट वाइज, बल्कि स्टेट वाइज अनहाइड ही है। अब हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ दो तरह के टैक्स हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे बराबर काउंटा, और ये पूरा ले लेंगे यहाँ पर। तो होगा क्या कि ये काउंट अब ये बता देगा कितने हैं, 1, 2, 3, 4। अब हम इसमें प्लस 2 कर लेंगे, यानी जो इसकी लास्ट रो है वो 6 नंबर की है। अगर हम इसमें फिल्टर लगा दें, मान लीजिए मैं लोकल हटा दूं, तो आप देखेंगे यहाँ पे इसने बता दिया 5, क्योंकि पाइवट टेबल में क्या होता है वो रो को हाइड नहीं करता है, फिल्टर लगाएगा। अब इसमें हमने यहाँ पे आ गया 6, और जैसे मैंने फिल्टर किया था तो 5। तो अब हम यहाँ पे क्या लेंगे बराबर, और यहाँ पे ले लेंगे ए एंड सॉरी बी एंड और आपका ये ले B6। अब B6 का जो है वो हमें वैल्यू लेनी है बराबर इनडायरेक्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे और ये सेल लेंगे। तो इनडायरेक्ट में क्या होगा कि जब आप इसमें लोकल सेलेक्ट करेंगे तो लोकल का आएगा, और इंटरस्टेट सेलेक्ट करेंगे तो इंटरस्टेट का आएगा, और अगर आप फिल्टर को हटा देंगे तो उनका टोटल आएगा। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हम चलते हैं डैशबोर्ड, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, फॉर्मूला बार में आपने आना है, बराबर का साइन लेंगे आप और स्टेट वाइज में आके उस सेल पे क्लिक करके एंटर। तो आपने देखा ये फॉर्मूला यहाँ पे आ गया। आप चाहें तो ये हमारा टोटल सेल बता रहा, इंटरस्टेट आपने देखा तो उसको चेंज कर दिया, लोकल आपने देखा उसको चेंज कर दिया।
अब इसको और थोड़ा सा प्रोफेशनल बनाने के लिए इसकी हाइट वगैरह सेट कर लेते हैं थोड़ा सा। आप चाहें तो इतने एरिया में कलर दे सकते हैं कुछ, जैसे मैं इसमें कोई कलर देता हूं। ये हमने इसमें कलर ले लिया और जो ये हमारा एरिया है वर्किंग का, इसमें मैंने इसको ये कर लिया। अब इसमें आपने ये चीज़ ध्यान रखनी, जैसे ये है इसका फॉर्मेट में आप आएंगे, इसकी हाइट है 4.4, तो इसमें क्लिक करके इसकी भी हाइट 4.4 कर देंगे तो वो दोनों सेम हाइट के हैं। इसी तरह से इसकी जो हाइट है 4.7 इसकी है, और इनको सबको सेलेक्ट कर लें चाहे तो आप, और यहाँ पे हाइट लिख देंगे हम 4.7, सब यहाँ से बराबर। अब इनको सेलेक्ट रहने देना, आपने अलाइन में आना है और मिडल कर दें या टॉप कर दें क्योंकि हाइट तो बराबर है। और इसमें हम डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, इसको भी हम इस तरह से इक्वल कर दें तो वो बराबर से बीच की जगह उतनी आ गई। और इस तरह से इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसका जो अलाइनमेंट है वो राइट कर देंगे। तो आपने देखा ये राइट एडजस्ट हो गया। अगर हम इसको और इसको सेलेक्ट करके इसका अलाइनमेंट कर देंगे हम लेफ्ट, अब हमें दोबारा से इसको लेना पड़ेगा क्योंकि वो गलत तरह से हो गया। इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, आप चाहें तो इसके अकॉर्डिंग इसको कई जगह हमें ज़रूरत पड़ जाती है कि हमें टेक्स्ट बॉक्स में फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं, तो सिर्फ यही तरीका है इसका। अब आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो दबाना है, इसमें राइट क्लिक करके हाइड कर देंगे आप इसको। इसी तरह से 25 नंबर से कंट्रोल शिफ्ट और नीचे का एरो की और इसको राइट क्लिक करके हाइड कर देंगे, तो आप देखेंगे इस तरह से हमारा ये टेक्स्ट बॉक्स बन के आ चुका है। अब आप इसको चाहें तो इसको थोड़ा नीचे करना चाहें नीचे कर लीजिए, बल्कि यहाँ पे भी हमें कलर देना पड़ेगा, वो आप कलर ये हमने दे दिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमारे आने वाले लगातार वीडियो मिलते रहें आपको। और इसमें आप हमारा 1000 टारगेट जो लाइक का है उसको ज़रूर पूरा करें, मैं इसका बहुत ही ज़बरदस्त वाला आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको एडवांस लेवल बनाना बताऊँगा, जो इसके जब मेरा ये 1000 लाइक का टारगेट पूरा हो जाता है तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो बनाऊंगा वो बहुत एडवांस बनाऊंगा, इंटरमीडिएट और उसके बाद एडवांस बनाऊंगा।